हैं ओके हियर मैथमेटिक्स और इसमें आज का जो हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन हम जो है कल 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करेंगे। ओके तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी फॉर अ फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। एक टैक्सी का किराया किसी शहर में पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, एंड फॉर द सबसिक्वेंस डिस्टेंस इफ इज ₹5 पर किलोमीटर। और पहले किलोमीटर के बाद जो है उसका जो फेयर होता है वो जो है ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पहले सोचना है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर, लेट द डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर, टोटल फेयर इज ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जब भी मान लीजिए एक्स किलोमीटर तो वो जो डिस्टेंस कुल है, टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, सो हियर फॉर अ फर्स्ट किलोमीटर, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर हियर ₹8+। अब ये जो है हमारे पास जो है एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है और ₹5, तो एक्स माइनस का 1 × 5 इज इक्वल टू वाई। अब ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया इसको मैं एक बार समझाता हूं। टोटल डिस्टेंस हमारी एक्स किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का जो हमारा फेयर है वो ₹8, तो ₹8 हम उसको पे कर दिए। अब हमारे पास जो किलोमीटर है उसमें किलोमीटर की संख्या 1 कम हो गई, यानी 1 किलोमीटर हमारा माइनस हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर का फेयर तो हम यहां दे रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ हमारा किलोमीटर है वो किस हिसाब से मिल रहा है, उसको ₹5 के हिसाब से दिया जा रहा है। तो एक्स माइनस का 1 × 5, क्योंकि 1 किलोमीटर का फेयर जो है आपका जो है ₹5 है, तो एक्स माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 × 5 इज इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन को पहले हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, हियर 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास जो है वाई को भी घर जाएंगे, तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू हो गई 3 + 5x इज इक्वल टू वाई। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम सबसे पहले, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, पहला काम होता है फर्स्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पुट वाई इज इक्वल टू 0। Now students here the value is here x, the value is y, the value x is 0, y is 0 if x is equal to 0, यदि x की value 0 put करें तो 3 plus 0 is equal to y and y is equal to 3, this is a 3, okay, तो y is equal to 3 हो गया। And one more thing, if y is equal to 0, y is equal to 0 put here and the value is 5x is equal to minus 3, x equal to minus 3 by 5. अब minus 3 by 5 को हम कैसे represent करें? How to represent? But this value is minus 3 upon 5. तो minus 3 upon 5 को हम क्या करते हैं? Decimal में convert कर देते हैं. तो decimal 0, 5, 6 जा, तो ये हमारे पास 30, 0, तो ये हमारे पास हो गया x equal to minus 0.6. This value is minus 0.6. अब we have to draw a, अभी क्वेरी है, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर क्वेरी आपकी लेता हूं, ठीक है? तो मास्टर जो है रुद्रांश अभी थोड़ा वेट करें। फर्स्ट प्लॉट अ ग्राफ, तो दिस इज अ ग्राफ हियर
एंड दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस पॉइंट इज जीरो. एंड स्टूडेंट्स हियर ये आपके पास द फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर इज थ्री, तो डिवाइड थ्री पार्ट. हियर इज द 1 2 3 1 2 3 here 1 2 3 here 1 2 and 3. And now student, here 0, 3. So x is 0 and y value is 3. That this point is this. Here is the first point. This point is A. And next point is minus 0.6. So 0.6. This is 0.1. अब हमारे पास ये बीच में हम जाएंगे तो दिस पॉइंट इज 0.5. तो मिडिल से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, हल्का सा इधर साइड में ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया. और स्केल की हेल्प से हम जो है इसे आगे मिला देते हैं, ऐसे इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और यही हमारा इक्वेशन है 3 + 5x = y. और यहाँ a का क्वाड्रेंट हो गया 0, 3 और यहाँ b का क्वाड्रेंट हो गया -0.6, 0 this value. अब हमें क्वेरी सुनता हूँ. क्वेरी है रिद्धिकरण, आस्क योर क्वेश्चन. रुद्रांश आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर मैं ये बोल रहा था मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था तो एक और बार ये समझा दीजिए शुरू से. बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बार और समझाता हूँ, दूसरी भी क्वेरी ले लेता हूँ. ये भावेश चमियाल आस्क योर क्वेश्चन. भावेश बोलिए. वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन. सर एक बार सर एक ग्राफ वाला बता दीजिए. सर एक ग्राफ वाला सर ठीक है. अब तीन लोग जाए और मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. यस बोलिए भावेश बोलो. सर पॉइंट में क्यों निकाला सर ये सर f x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट में. देखो बेटा फ्रैक्शन को हम जो है डायरेक्ट फ्रैक्शन हम यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट वैसे करने में हमें असुविधा होगी तो हम इसको क्या करते हैं डेसिमल के वन प्लेस तक इसे कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में. तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो है हमारा 3/5 जो है 0.6 आ गया. लेकिन जो है यहाँ पर हमारे पास निगेटिव साइन था तो निगेटिव साइन हमने मेंशन रखा. अब हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया. जो पहला बॉक्स है ये दोनों का 0 और 3 का ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा बॉक्स है ये हमारा जो है दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. तो फर्स्ट पॉइंट यानी एक्स एक्सिस पर 0 देखेंगे, वाई एक्सिस पर 3 देखेंगे. ये देखेंगे दोनों पॉइंट कहां जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये जो है हमारा पॉइंट मिला एक्स पर 0 यानी वाई एक्सिस पर. ये जो पॉइंट है हमारा जो है एक्स 0 यानी एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जाना है. y is equal to 3 है तो y एक्सिस पर हमें 3 पॉइंट ऊपर जाना है. तो 1 2 3 हम यहाँ चले गए, हमने इस पॉइंट का नाम a लिखा. अब दूसरी बात है x की वैल्यू -0.6 जाना है तो माइनस किधर जाएगा. पॉजिटिव साइन हमेशा ओरिजिन के राइट साइड होते हैं, निगेटिव साइन ऑलवेज बी लेफ्ट साइड बी ओरिजिन. सो हियर हम यहाँ पर ये 1 पॉइंट है तो 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट होगा वो 0.5 का होता है. उससे हम थोड़ा सा 1 मिलीमीटर हम आगे बढ़ जाते हैं और उस पॉइंट को हम मेंशन करते हैं 0.6. तो ये हमारा निगेटिव हो गया और y की वैल्यू 0 है इसका मतलब y एक्सिस पर हमें कहीं नहीं जाना है. ठीक है तो हम वहीं पर रहेंगे. ये दो पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट a मिल गया, दूसरा पॉइंट b मिल गया. बस हमें कुछ नहीं करना है, स्केल रखना है और एक लाइन को हमें ड्रॉ कर देना है. तो दिस इज द सुटेबल ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन विच आई सेटिस्फाइड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर हो गया बच्चों. अभी हमारे पास देयर आर 48 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड. अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास जो है दो फिगर दिए गए. अब दोनों फिगर को पहले मैं एक एक करके मैं आपको पहले समझाता हूं. हियर क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, इसका दो पार्ट है. पहला पार्ट हम आते हैं तो यहां पर एक ग्राफ बनाया गया. पहले तो ग्राफ को देखिए, आप सभी अपनी अपनी कॉपी में इस ग्राफ को जरूर बनाएं क्योंकि जब तक आप ग्राफ को नहीं ड्रॉ करोगे तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी. x है, x डैश है, दिस पॉइंट इज y एंड दिस पॉइंट इज y डैश एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन o एंड हियर अ वन पॉइंट इज दिस इज अ लाइन ऑफ ग्राफ. ये हमारे लाइन ग्राफ पर दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3
1 2 3 1 2 3 this point 1 2 and 3 here the first point is this point is kaha gaya hai ye point hamara 0, 0 और उसके बाद आपके इस क्वेश्चन में यहाँ हमारे पास जो ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे और ये पॉइंट ये मिला है ये पॉइंट हमारा जो है 1, -1 एंड दिस पॉइंट एंड हियर 1, -1 दिस पॉइंट इज दिस एंड दिस दिस इज -1, 1 अब ये हमारे पास जो है ये हम मान लेते हैं ए है ये पॉइंट हमारा ओ है ये पॉइंट हमारा बी अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है चार ऑप्शन दिए गए मैं फर्स्ट पॉइंट दिखा रहा हूं यहाँ पे चार ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं तो पहला ऑप्शन है y is equal to x सेकेंड ऑप्शन दिया गया है y is equal to x plus y is equal to 0 थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्या आपके पास y is equal to 2x और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है हेयर 2 plus 3y is equal to 7. अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फॉर्म द चूज गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर नंबर 4.6 एंड फिगर नंबर 4.7. तो हमारे पास जो है हमें ये बताना अगर मुझे ये पहचान करना है कि जो ग्राफ खींचा गया है ये ग्राफ इन चारों में से किस लाइन का है ये हमें पता करना है तो हमारे पास जो है इसके पॉइंट्स होते हैं कौन कौन से पॉइंट है तो पॉइंट हमारा है एक -1, 1 दूसरा पॉइंट है 0, 0 और तीसरा पॉइंट है 1, -1 ये जो है तीन है अगर किसी लाइन के ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वे सभी पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है और वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक है तो हमारे पास ये तीन पॉइंट है हम चेक करेंगे ये तीनों पॉइंट इन सब में से किस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं तो पहला हम चेक करते हैं y is equal to x ये जो पहली वैल्यू है आप x है y अब आप देख के बताइए क्या ये जो है ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए ऐसा नहीं कि केवल एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा ऐसा नहीं चलेगा ठीक है बेटा तो हम यहां पर क्या करेंगे -1 और 1 तो पुट हियर -1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है तो आपका ये पहला इक्वेशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया तो इस इक्वेशन को हमने जो है रॉन्ग घोषित कर ठीक है केवल ये 0, 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये दो पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा ठीक हो गया दूसरा बात अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं ये -1, 1 एक्स की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू 1 है पुट हियर -1 + 1 = 0 पहला पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है ये दूसरा पॉइंट 0 + 0 = 0 दूसरा पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है और 1, -1 ये भी हमारे इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सेकेंड वाले का आंसर होंगे ठीक है और ऐसा नहीं कि एक देख लिया तो हमारा काम कंप्लीट बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं अब देखिए y is equal to 2x क्या रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 जो है कभी भी -1 के दोगुने के बराबर नहीं हो सकता ठीक है यानी हम यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू -2 ≠ y ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये भी हमारा क्या होगा आंसर नहीं होगा और इसमें भी हम पुट करते हैं 1 की वैल्यू यहां पर हमने लिखा ये 2 + 3 × y की वैल्यू 1 है एंड हियर 7 × -1 2 + 3 = -7 तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब कि ये वाला भी हमारा क्या होगा आंसर गलत है तो ये चार ऑप्शन में से केवल सेकेंड ऑप्शन ही हमारा क्या होगा करेक्ट होगा इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड नहीं है तो मैं इसके सेकेंड पार्ट को भी बताता हूं ये फर्स्ट पार्ट है यस फर्स्ट क्वेश्चन मास्टर वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन बेटा सर एक बार सर यहां से बता दीजिए सर ये 2 + 3 × सर यस
द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द पॉइंट इज एक्स एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ द पॉइंट इज वाई. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन में जहां भी एक्स और वाई दिखाई दे रहे हैं वहां वहां हम जो है एक्स के जगह पे माइनस वन और वाई के जगह पे वन पुट करके हम चेक करते हैं कि LHS हमारा RHS के इक्वल है कि नहीं है. यदि LHS इक्वल टू RHS है देन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड दिस पॉइंट. इफ नॉट दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइड दिस पॉइंट. ओके बेटा. यस सर. थैंक यू सर. ओके तो ये जो है हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन. अब मैं इसके सेकेंड पार्ट को भी ध्यान दें क्योंकि बताना है बहुत कम क्वेश्चन है तो हमारा मेन काम है आपकी कंसेप्ट को क्लियर करना. आप अच्छे से जब समझ जाओगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जब आपका कंसेप्ट एक बार नहीं बना तो फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी. तो मैं क्वेश्चन भी आपको जो है इसे कभी मैं पूछूंगा कभी होमवर्क दूंगा तो आप इसके लिए तैयार रहें. द सेकेंड पार्ट इज द ग्राफ ऑफ द गिवन दिस इज दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज एक्स डैश and this point is y axis and this point is y dash and here students three हमारे पास है तो maximum 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 here 1 2 3 as one. Now students the point is first point is here 0, 2 so this point is 0, 2 and next point is 2, 0. This point is 2, 0 and this draw a line. This is line and this point is 0, 2 and here the 2, 0 and this point and one more point is -1, 3. This point is -1, 3. This point is -1, 3. This point is A, this point is B and this point is C. And here, 3, 4 options are available. Y is equal to x plus 2. The first option is y is equal to x plus 2. Second option is y is equal to x minus 2. Y is equal to x minus 2. And third option is y equal to minus x plus 2. Y is equal to minus x plus 2. And fourth option is the fourth x plus 2y is equal to 6. X plus 2y is equal to 6. These are four options of the given this graph. Then students, our points are -1, 3. Point is A. Next point, B point is 0, 2. And C point is 2, 0. If any line of these four options are satisfying all these three points, then this equation is the required answer of the given graph. Okay, students, हम पहले एक-एक को चेक करते हैं. पहले वाले को चेक करेंगे. देखिए मान लीजिए कि first point की हमारा satisfy नहीं कर रहा है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं. First satisfy कर रहा है, दूसरे point को हम चेक करें. दूसरा satisfy कर रहा है, तब हम तीसरे point को चेक करें. तो ये हम continuity में इस process को अपनाते हैं. तो देखो बेटा ऐसा है -1, 3 अब इसमें चलते हैं तो माइनस हमारे पास जो है पहले देखिए हियर एक्स इज -1 दिस इज 3 और दिस इज +2. क्या ये बराबर हो सकता है लेफ्ट राइट? -1 + 2 कितना होगा? +1 एंड 3 हमारे पास जो है ये इक्वल नहीं हो रहा है ना. यानी हमारे पास जो है पहला आपका ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है. फॉर फर्स्ट के लिए ये हमारे पास y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू -1 + 2 एंड हियर 3 इज नॉट इक्वल टू 1. ये इक्वल नहीं है सो हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा. ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है? रॉन्ग है. मैं ऑप्शन यहां लिख रहा हूं और ऑप्शन का सलूशन यहां पे कर रहा हूं. अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं. सेकंड है y इज इक्वल टू x -2 तो y की वैल्यू कितनी है? हियर 3 is equal to x की वैल्यू हमारी कितनी है? -1 and here -2. 3 is not equal to -3. ये हमारा इक्वल नहीं है इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है? रॉन्ग. अब तीसरे को चेक कर लेते हैं. पहले पॉइंट पर ही चेक करेंगे. तीसरे को चेक करेंगे y is equal to तो y हो गया 3 is equal to minus x की वैल्यू -1 + 2. Here 3 is equal to 1 + 2. Here 3 is equal to 3. यानी ये सेटिस्फाई कर रहा.
यानी हमारा ये वाला पॉइंट केवल सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी आप इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू हम 2 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तो -2 +2 कट करके 0 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और हम फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। द फोर्थ पोर्शन इज द पॉइंट इज हियर 1, तो x इक्वल टू -1 +2 इनटू y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6, हियर -1 +6 इज इक्वल टू 6, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 6, नॉट इक्वल टू 6, ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को हम सभी इक्वेशन में बारी बारी से x के जगह पे, ये जो पहला पॉइंट होता है इसे हमेशा ऑलवेज बी x और y, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, ये हमें x कॉमा y को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर यानी कि x के बाद ही y आता है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और फिर बाद में हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द सो इजी एंड फर्स्ट गिवन टू ग्राफ एंड फोर ऑप्शन आर सिचुएटेड एंड वी हैव टू ट्राई फाइंड टू अ करेक्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ, सो पुट द पॉइंट इन ऑल इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड व्हिच इक्वेशन सैटिस्फाई दिस इज द सुटेबल आंसर एंड व्हिच इक्वेशन सैटिस्फाई दिस इज द सुटेबल आंसर। ये दोनों हमारे कैसे आंसर है, सुटेबल आंसर है। देयर आर 56 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी हमारे पास 56 बच्चे इस समय हमारे जुड़े हुए हैं। और स्टूडेंट्स हियर, अब हम इसमें थोड़ा सा जो है हम कुछ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें किसी क्वेरी है तो पूछ सकता है। नो क्वेरी, वन क्वेरी वैभव नारायण आस्क यू क्वेश्चन। वैभव नारायण सर, बस ए का निकालेंगे, बी और सी का नहीं निकालेंगे। हाँ बेटा सर, बस ए का ही ना वैल्यू पुट करके आपने निकाला और बी और सी का। बिल्कुल बेटा, एक्चुअल में क्या है ना कि हम पहले चार ऑप्शन में से देख लेते हैं कि जो है इन हमारे, हमने सबसे पहले आप इसको फर्स्ट को देखा, आप चाहो तो सेकंड को भी देख सकते हो, आप चाहो तो थर्ड को भी देख सकते हो। तो जैसे होता है ना कि जब हम जो आपने देखा होगा विलेज वगैरह में, आज तो हमारे जो है घरों में जो राइस पकाई जाती है कुकर वगैरह में पकाई जाती है, तो पुराने जो अपने गाँव वगैरह में देखा होगा तो पतीले में जो है चावल पकाया जाता था, तो उसमें से जो है पूरे चावल को नहीं चेक करते थे, घर की जो गृहणियां होती थी तो वे क्या होती, इसमें से एक चावल ऐसे उठाया अगर वो सही से पक गया है तो मान लेती थी कि पूरा जो है चावल पक गया है। तो इसमें से चार ऑप्शन है, तीन ऑप्शन अगर सेटिस्फाई, मान लीजिए पहला पॉइंट ही केवल इनमें से एक में ही सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ, जो चेक जो करेक्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है उसमें आप जो है बी और सी को भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक होगा तो ये दोनों पॉइंट मैंने ओरली करके दिखाया था, यहां मैंने रिटन में नहीं लिखा है, ओरली हमने दिखाया कि जो है 0.2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2.0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, आप जो है इसे पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके हावेश, आस्क योर क्वेश्चन। एक बार फोर्थ वाली बता दीजिए। ओके बेटा, फोर्थ दिस वैल्यू, यस सर। ओके, हियर दिस वैल्यू इज दिस, इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3, द फर्स्ट पॉइंट इज -1, 3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन हियर, द फोर्थ पोर्शन सॉल्यूशन इज हियर, हियर -1 +2 इनटू 3 नॉट इक्वल टू 6, -1 +6 नॉट इक्वल टू 6, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि पहला पॉइंट ही इस फोर्थ वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रूल के अकॉर्डिंग जितने भी लाइन पर पॉइंट होते हैं वे सारे के सारे पॉइंट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट ही नहीं कर रहा है तो सारे पॉइंट्स में से पहला पॉइंट तो मिसिंग नहीं हो सकता ना, तो पहले में ही चेक करके हमने बता दिया कि ये हमारा आंसर जो है गलत, ठीक है बेटा। यस तनिष्क, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। मास्टर तनिष्क,
सर यस बेटा सर जो सर आपने ग्राफ बनाए हैं वो सर ग्राफ सर कॉपी पर बना के पेस्ट कर रहे हैं ना फेयर कॉपी पर एक्चुअली बेटा ये ग्राफ जो है मैंने समझाने के लिए इस पर प्लॉट किए क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक में ग्राफ को देखते हुए ऑप्शन भी दिए थे और टेक्स्ट बुक में इसका ये चार इक्वेशन भी दिए थे आप चाहें तो ग्राफ में बना करके आप प्लॉट कर सकते हैं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो सर सारे जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो तो करने होंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा वो सर ग्राफ पर बना के पेस्ट कर देना नोटबुक हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को वरुण जोशी अपना क्वेरी पूछिए बेटा सर एक सर पुरानी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है सर वो आप सर अभी बता देंगे या सर आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे सर वहां बता देंगे भेज देंगे बेटा तो जो है मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा अभी मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बता करके अभी आप मुझे जो है अभी टाइम कितना बचा है इसमें हाँ देयर आर 7 मिनट अभी एक क्वेश्चन बता के फिर अपनी क्वेरी आपकी लेकर के आपको क्वेश्चन या अपना क्वेश्चन ही बोल दीजिए पहले सर मेरा क्वेश्चन है सर वो वाला है सर वॉल्यूम वाला सर जिसकी वॉल्यूम दी है सर 12 KY² Yes. Plus 8KY minus 20KY. 12KY² Yes, sir. Plus 8KY plus 8KY minus 20K. Minus 20K. ये volume yes, sir. Sir, एक... yes, sir. यार question बता दीजिए sir एक बार. So here students, हम देखते हैं कि इन जो तीन term हैं, यार this is the first term, this is the second term, this is the third term. हम इसमें टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले सकते हैं तो पहले तो के तीनों में टर्म में हमारे दिखाई दे रहा है के हमारा बाहर हो सकता है और एक चीज और देख सकते हैं ये 12 है यहाँ 8 है और यहाँ 20 है तो अगर मैं इसमें से 4 भी कॉमन ले सकते हैं तो पहला हमारा होगा फर्स्ट हम क्या करते हैं 4K को बाहर निकाल देते हैं ठीक है 4K से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3Y² प्लस 4K यहां से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2Y और यहां पर माइनस का 4×5 ये हमारे पास हो गया तो एक तो डायमेंशन में ये वैल्यू हमारी एक पोर्शन हो गया एक फैक्टर इसका निकल गया अब इसे हम जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे हम फैक्टराइज करते हैं इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन AY² + BY + C हियर AC इज इक्वल टू 15 And here b is equal to 2. तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर हमें ढूंढना है मिडिल टर्म में कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और माइनस करने पर 2 आए. This is a negative sign, so here value is 2. तो 5 × 3 = 15. 5 − 3 that is equal to 2. तो 2 को हम जो है 5 − 3 लिख सकते हैं. बस हमें करना इतना है 2 के प्लेस पर 5 − 3 पुट कर देंगे. So here the first 4k and in here 3y² plus 5 − 3ky here minus 5 bracket close 4k one factor and here 3y² plus 5y minus 3y minus 5 bracket close 4k here taking common here the y and get value is 3y plus 5 and minus 1 here 3y plus 5 and bracket close these two part are common 4k in a first 3y plus 5 in second and y minus 1 third students in a volume of cuboid there are the three dimensions like length breadth and height आप इसमें से फर्स्ट को आप क्या कर सकते हैं लेंथ बना सकते हैं इसको आप जो है ब्रेथ बना सकते हैं इसको आप जो है हाइट बना सकते हैं तो या कोई क्रम बदल ले इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेंथ जो है बड़ा होता है तो आप जो है 4k मानिए 3y + 5 आप किसी को लेंथ मान ले किसी को ब्रेथ तीनों में एक एक को नाम दे सकते हैं बेटा इज दैट क्लियर सर एक चीज पूछनी सर जैसे अगर सर हमें ये एरिया दिया होता तो सर हम सीधे फैक्टराइज कर देते ना सर देखिए क्या होता है ना एरिया की आइडेंटिटी होती है लेंथ इनटू ब्रेथ फैक्टर चाहिए होता है इक्वेशन से हम उसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर फाइंड कर देते हैं तो उसमें से एक फैक्टर हमारा लेंथ होता है दूसरा फैक्टर हमारा ब्रेथ हो जाता है बट इन केस ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम में हमारे पास तीन डायमेंशन होते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट तो वॉल्यूम की फॉर्मूला भी होता है L into B into H तो हमें जो है
अपने टर्म को तीन टर्म में हमें जो है फैक्टराइज करना है, तो तीन में से हम फैक्टराइज किया, सबसे पहला हमने 4k को कॉमन लिया, तो 4k हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट में से एक हम मान करके उसको साइड कर देते हैं। बाकी ये जो है ऐसा इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, यानी इसके दो फैक्टर भी मिलेंगे, तो हमने इसके दो फैक्टर निकाले, तो ये दोनों जो है बाकी जो बचे हुए ब्रेथ है और हाइट है वे रिस्पेक्टिवली हमारे हो जाएंगे। ठीक है बेटा? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, तो यहाँ पर जो है टाइम में ओके, तो हियर आर ओनली 3 मिनट आर लेफ्ट, सो स्टूडेंट्स में एक और क्वेरी, यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन में और आपके लिए हेल्प करता हूँ, बताता हूँ, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, This is question number 6, लिखा है, if the work done by a body, अब कई बार ऐसा होता है कि मैथ पढ़ते पढ़ते हम साइंस भी पढ़ लेते हैं, the, if the work done by a body and application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, okay, and express this in the form of equation in a two variable and draw the graph of the same by taking the constant force 5 and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. What is a work done? Work done क्या होता है? Force apply करके किसी भी object को उसके direction में, force के direction में displacement, यानी हम किसी चीज को एक place से दूसरे place पर हम कर देते हैं, तो वहाँ पर work done होता है। इसमें हम बोलते हैं W is equal to F into D। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर क्या होता है? Work done क्या होता है? W is equal to F into D। तो F क्या है? Force है। D क्या है? Displacement है। और W क्या है? Work done। अगर कई बार ऐसा भी कहा जाता है ना कि अगर हम लोग पूरा बॉडी का पूरा फोर्स अप्लाई करके किसी भी दीवार को हम पुश करते हैं, खूब ताकत लगा लिए, अगर दीवार में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वर्क डन हमारा क्या है? 0। और अगर हमने थोड़ा भी दीवार को डिस्प्लेसमेंट हिला दिया तो यानी हमारा हमने कुछ काम किया। ठीक है बेटा? तो वही सेम चीज, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हियर से दैट कॉन्स्टेंट फोर्स, फोर्स कॉन्स्टेंट है, F is equal to 5. So, W is equal to 5 into D. अब हम यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है बेटा कि यहाँ पर हमने जो है also read from the graph of the work, से हमें graph भी बनाना है, तो हम एक काम करते हैं, work done को हम किससे denote करते हैं? X से, और D को हम represent कर देते हैं Y से, तो हमारे पास new equation क्या हो जाएगा? X equal to 5 into Y. Okay students, here draw a graph. First form a box for a minimum requirement, two part, two points. The first point is 0. Putting x equal to 0, then y is equal to 0 and x equal to 0. So y is equal to here also 0. And put x is equal to 1. So here x equal to 1. So y is equal to 5. This is point. And here students, this is a graph and this is x axis, here x dash, and this is y axis and this is y dash, here the value is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, and now students here x 0, the first point is 0 here and second point is 1 comma 5, this is 1 2 1 2 3 4 5, this point is like this here, and draw a straight line which is the required equation, this is the equation x equal to 5y, ye hamara equation hai, this point is 1 comma 5 and this point is 0 comma 0, these are 2 points, this is the required graph. A few query, master Rudransh Chauhan, ask your question beta. सर एक बार ग्राफ और समझा दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, गेट y इज आल्सो 0 इफ इक्वेशन इज x इक्वल टू 5, तो हमारे पास 0 कहां होता है? ओरिजिन, 0 कॉमा 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, एंड वन मोर यस सर, x इक्वल टू 1, क्योंकि 0 हम y की वैल्यू दोबारा 0 नहीं लिख सकते, तो हमने x की यस सर, तो x की वैल्यू